गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स. एक्सरसाइज 7.2. राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें सारे टर्म्स को आपको दिखाना है अलग अलग. तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं, 3x² - 2y² - 9x² y, सबको अलग लिखना है. 3x^5 और क्या है, -2y^4. फिर जहाँ जहाँ भी साइन लगा है वो नया, +9x²y, ये -15xy, और ये कितना हो जाएगा, 9. यही हमारा आंसर होगा. यानी जितने भी टर्म्स हैं, ये पहला टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म, 1, 2, 3, 4, 5. प्लस वाले के पहले प्लस नहीं लिखते, लेकिन माइनस वाले के पहले प्लस लिखेंगे. इसी तरीके से इसमें भी अलग कर लीजिएगा, 2x²-3z^4, सबको अलग कर लीजिएगा. इसमें बताना है कि लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं. तो इसमें लाइक फ्रैक्शन देखिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म दो बार आए हैं, ये और ये. ये क्या है, x² और -3x², ये सब, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है. और बाकी देखिए कोई भी मैच नहीं कर रहा है. यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर और कहीं नहीं आया इस क्वेश्चन में. इसमें देखिए x³, y³, y², z², z², y². तो इसमें क्या है, अब फिर इसमें देखेंगे इसमें लाइक टर्म कौन कौन से हैं. देखिए -3x² - 3x²y, x²y और 5y² x, ये देखिए इसमें x की वैल्यू x^1 है, ये नहीं होगा. x^1 इसमें भी है, y² इसमें है, ये दोनों हैं. मतलब -3xy² और क्या है, 5y²x, ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, सॉरी लाइक टर्म्स, फ्रैक्शन नहीं, टर्म्स. अब इसमें बताना है मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल. जिसमें एक ही टर्म होगा ये मोनोमियल होगा. क्या होगा, मोनोमियल. पहला मोनोमियल है, यानी ये मोनोमियल्स है, मोनोमियल है. ये देखिए इसमें टू टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड, यानी ये क्या है, बाइनोमियल्स है. क्या है, बाइनोमियल्स. ये क्या है, सेकेंड वाला जो है वो बाइनोमियल्स है. थर्ड में एक ही टर्म है, मोनोमियल है. इसमें थ्री टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये ट्राइनोमियल है. क्या है, ट्राइनोमियल. तो बहुत ही आसान है. जैसे इसमें टू टर्म्स है तो ये बाइनोमियल है. क्या है, बाइनोमियल. ये इसमें थ्री टर्म्स है तो ये क्या है, ये फिफ्थ वाला ट्राइनोमियल है. तो इस तरीके से आपको लिखना भर है कि बताना है कौन से. इसमें देखिए राइट द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म का मतलब जो नंबर आया है, देखिए इसमें केवल अकेले नंबर है, एक्स वाई कुछ नहीं है. तो इसमें कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 9. इसमें कांस्टेंट कितना है, -4 क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा. इसमें 2/7 क्या है, कांस्टेंट है. ठीक, कांस्टेंट हमें पता चल गया. राइट द न्यूमेरिकल कोफिशियंट. न्यूमेरिकल कोफिशियंट यहाँ कुछ भी नहीं है. न्यूमेरिकल कोफिशियंट जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 होगा. इसी तरीके से इसमें देखिए -3 है. क्या है, -3 है. इसमें क्या है, 15 नंबर जो है जिससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 15. इसमें -6 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यानी ये इस तरीके से. राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन सी एक्स. एक्स का कोफिशियंट कितना है, एक्स का कोफिशियंट जो है 6 नंबर में -6 है. कितना है, -6. 4a में a का कोफिशियंट कितना है, 4 है. आसानी से आप बता सकते हैं. थर्ड में 8y² है. क्या है, 8y² है. मतलब x के अतिरिक्त जो भी आएगा वो सब होगा. जैसे देखिए m का तो -2n हो जाएगा. इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन, जैसे इसमें -a² में -1 हो जाएगा.
अब देखिए p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 1, q की वैल्यू -2, r की वैल्यू 2 रखने पर वैल्यू फाइंड करना है। ये आसान क्वेश्चन है। देखिए 2p² + 3q² तो 2 × p का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर मतलब 4। मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 = 2, 3 × 4 = 12, 14 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए फोर्थ वाला देखिए क्या है क्वेश्चन, 2p² + 3pq² + 4pqr। अब इन सब की वैल्यू रख देना है, बहुत ही आसान है। 2 × p का स्क्वायर है, p की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर, × q कितना है -2 है। इसी तरीके से प्लस 3, पी की वैल्यू कितना है -1 है, क्यू की का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 4 × p, पी की वैल्यू कितनी है -1 है, और क्यू कितना है, चलिए इसको नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस देखिए 4, पी की वैल्यू -1 है, क्यू की वैल्यू क्या है -2 है, आर की वैल्यू क्या है 2 है। तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन। देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा −2, ये 2 है, -2 हो जाएगा, प्लस 3 − 1 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 × 1 = 2 प्लस में हो जाएगा, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो आसानी से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 1 = 2, −2 हो गया, और ये 2 × इसमें हो जाएगा प्लस 3 × 1 = 3 यानी −3 प्लस 4 में प्लस 16। अब देखिए 2 × 2 = 4 माइनस में −3, और ये 3 × 4 = 12 हो जाएगा, −12 हो जाएगा प्लस 16, यानी देखिए ये भी 12 और 4 माइनस में है −16 प्लस 16, दोनों की वैल्यू आ गई 0, 16 प्लस में है 16 माइनस में है 0 आ गया आंसर हमारा। सेम वे अगला क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दी गई, वाई की वैल्यू दी गई, जेड की वैल्यू इसमें पुटअप करना है। दो क्वेश्चन इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए एक्स की वैल्यू दी गई, वाई की वैल्यू, देखिए एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू −2, जेड की वैल्यू −3, क्वेश्चन में ही दिया गया। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 2 × x के जगह हम 1 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है, दी गई है क्वेश्चन में, −3 × y की वैल्यू मुझे पता है −2 है, तो रख दिया। अब प्लस 4 × z की वैल्यू हमें पता है, z की वैल्यू है हमारी −3, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 = 2 प्लस में, x की वैल्यू प्लस में है। इसी तरीके से 3 × 2 = 6, ये भी प्लस में हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आंसर आएगा। ये 8 हो जाएगा, 8 − 12, तो −4 हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक्स की वैल्यू हमें पता ही है 3, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर −4, वाई का स्क्वायर मतलब −2 का स्क्वायर प्लस 2 × z का स्क्वायर मतलब −3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 × 1 का स्क्वायर यानी 1 −4 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 × 3 का स्क्वायर −3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 4 × 4 = 16, 18 ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे
18 में से 16 माइनस हो गया, 2 बचा और 3 पहले से बचा है, 5 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।